आज हम देखेंगे वांडे क्राफ जनित्र। वांडे क्राफ जनित्र अध्याय 2 का 12वीं का ये जो है लास्ट टॉपिक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वांडे क्राफ जनित्र को आर जे वांडे क्राफ ने 1931 में बनाया था, जिसकी सहायता से हम लोग उच्च कोटि का जो है विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। मीन्स मिलियन मिलियन जो है हम लोग वहाँ पर विभवांतर उत्पन्न कर सकते। विभवांतर मीन्स क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और हम लोग कणों को जो है आवेशित कणों को त्वरित कर सकते हैं। मीन्स मान लो ये पॉजिटिव आवेश है तो इसको त्वरित करना मीन्स इसको और बहुत ज़्यादा प्रतिकर्षित करके इसको स्पीड रूप में भेजना। मीन्स ये जो है आवेश जैसे स्लो मोशन में रहेंगे, मीन्स धीरे धीरे चलते रहेंगे, तो इस आवेशों को जो है त्वरित करना मीन्स बहुत ज़्यादा स्पीड में उनको दौड़ाना या फिर पट्टी की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह में त्वरित करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिद्धांत, संरचना और कार्यविधि। सबसे पहले देखते हैं सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि जब कोई नुकीला सिरा होता है, ठीक है, तो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो बहुत अधिक होता है। नुकीला सिरे का पृष्ठ आवेश घनत्व तो बहुत अधिक होता है और जो है जब वह वायु के संपर्क में आता है तो वह धनावेशित होकर हो जाती है। ठीक है, मान लो कोई नुकीला सिरा दिया है, ठीक है, तो वायु जब इसके हवा जब इसके संपर्क में आएगी तो ये धनावेशित हो जाएगी और इससे प्रतिकर्षित होकर बहुत जोर से मीन्स बहुत स्पीड से वह प्रतिकर्षित होकर दूर हटती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत पवन, इलेक्ट्रिक विंड बोलते हैं। मीन्स ये जो आवेश है इसे प्रतिकर्षित होकर दूर हटेगी, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक विंड। ठीक है, अब जब कोई खोखला गोला चालक होता है, ठीक है, खोखला मीन्स कोई चालक है उसका खोखला गोला है, ठीक है, अगर उसको हम लोग आवेश देते हैं तो इसके पूरे पृष्ठ पर वो आवेश जो है क्या हो जाता है? बंट जाता है। कोई खोखला गोला आवेश रहेगा तो उसके पूरे पृष्ठ पर क्या होता है? मीन्स यहाँ पे सिद्धांत यह है कि हमें आवेशों को त्वरित करना है और उच्च कोटि का विभवांतर उत्पन्न करवाना है। ठीक है, अब देखते हैं संरचना। संरचना में ये देखो, ये है इसका संरचना जो वांडे क्राफ है। ठीक है, तो ये जो है 15 मीटर का जो पोल होता है मीन्स खंबा होता है, ठीक है, इसको एक खोखले गोलीय चालक एज से हम लोग क्या करते हैं? ढक देते हैं। ठीक है, इसकी हाइट जो क्या होती है? 15 मीटर होती है। पोल की जो हाइट होती है वो कितनी होती है? 15 मीटर होती है। ठीक है, और इसको खोखले गोलीय चालक एज से हम लोग क्या करते हैं? उसको ढक देते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे P1 और P2 दो पुल्ली है मीन्स दो घिरनी है, और यहाँ पे ये क्या है, ये दोनों घिरनी किससे कनेक्ट है? या तो रबर या तो रेशम के पट्टे लगे हुए हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट है। अब देखो C1 और C2 क्या है? दो कंघी है। ठीक है, जो ये क्या है, आवेशों को कल ये जो है त्वरित करेगा मीन्स प्रतिकर्षित करके इधर भेजते जाएगा, और C2 क्या है, आवेशों को कलेक्ट करेगा मीन्स एकत्रित करेगा। ठीक है, अब देखो इसको जो है इस पूरे डायग्राम मीन्स ये जो मशीन है इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको टंकी, एक टंकी टी लगा देते हैं ताकि ये जो है किससे बचे रहे? रस्ट से बचे रहे। यहाँ ये जो पुल्ली P2 है, ठीक है, ये जो है मोटर के एक सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखो ये जो C1 है, ये जो है हाई टेंशन, ये जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज पे कनेक्ट रहता है, और ये जो है ग्राउंडिंग रहता है, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं? ग्राउंडिंग कर देते हैं। ठीक है, हाँ, अब और ये जो है इसके जो खोखला गोला है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? फ्रियॉन गैस भर देते हैं। ठीक है, ताकि ये जो है गर्म ना हो। ठीक है, अब जब हम लोग अब देखते हैं कार्यविधि। संरचना समझ आया ना? संरचना एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, C1 C2 दो कंघी है जिसमें से ये क्या है, ये आवेशों को त्वरित करेगा मीन्स प्रतिकर्षित करके भेजते जाएगा, और C2 जो है ये जो है क्या करेगा, एकत्रित करके इस पूरे गोले में क्या करेगा, फैलाते जाएगा। ठीक है, अब ये P1 और P2 जो है दो घिरनी है। ठीक है, मीन्स ये घिरनी जो है आवेशों को ऐसे करके भगाते रहेंगे। ठीक है, अब ये जो है P2 जो है ये मोटर से जुड़ा हुआ है, ये P क्या है, एक खंभा है मीन्स P जो है दो पोल है, ये भी है ये भी है, मीन्स ये कितना मीटर का है? 15 मीटर का है, और ये T क्या है, टंकी है। ठीक, अब देखते हैं कार्यविधि। जब हम लोग कंघी C1 जो है इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, ये जो बैटरी से जुड़ा हुआ है जब पहले नहीं जुड़े रहता है, जब इसको हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं तो
यहाँ पे क्या होता है, ये इसका जो है बैटरी से जब जोड़ेंगे तो सीवर के जो पार्ट है वो बहुत कंघी जो है वो नुकीला है, ठीक है। तो नुकीले कणों के जब संपर्क में आते हैं तो यहाँ पे धनावेशित आ जाते हैं, तो धनावेशित जो है नुकीले सिर ये जो है धनावेशित जब आएंगे, ये जो है इसका धनावेश कंघी, ये जो कंघी सीवन है ये उच्च तनाव का जो बैटरी ST है इसके धन सिरे से जुड़ा हुआ है, अतः कंघी के जो नुकीले सिरे है इसका पृष्ठ आवेश घनत्व मीन सरफेस टेंशन बहुत अधिक हो जाता है, तो इसके आसपास क्या है वायु के कण आ जाते हैं और वे क्या हो जाते हैं धनावेशित हो जाते हैं, और धनावेशित से मैं बताया हूँ कि नुकीले सिर के संपर्क में जब आते हैं वायु के कण तो धनावेशित होकर प्रतिकर्षित हो जाते हैं, प्रतिकर्षित होकर क्या होते हैं ये अपने से हटने का प्रयास करते हैं, ठीक है, मींस प्रतिकर्षित होकर इस पट्टे की ओर चलने लगते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं विद्युत पवन कहते हैं, ठीक है। और ये जो है धनावेश, ये जो पूरा पट्टा जो है वो धनावेशित हो जाता है और वो पट्टा जो है ऊपर की ओर चलने लगता है, ठीक है। जब पट्टा ऊपर की ओर चलता है तो जो है वहां पे क्या है कंघी सीटू है जो उसको क्या कर लेता है ये जो धनावेशों को एकत्रित कर लेता है, ठीक है। और प्रेरण की सहायता से, अब देखो यहाँ पे प्रेरण की, जैसे ही ये कंघी जो है इसको एकत्रित करेगा धनावेशों को तो ये जो है पूरा गोला क्या हो जाएगा धनावेशित हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये जो है सारे धनावेश इस गोले के ऊपरी भाग में आ जाएंगे, मीन्स इस पूरे गोले में क्या हो जाएगा धनावेश हो जाएगा, मीन्स इसके पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है इसके पूरे सरफेस पे क्या आ जाएगा धनावेश आ जाएगा। अब सीटू का जो नुकीला सिरा है, ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग विद्युत पवन कहते हैं, ये एकत्रित करेगा, ठीक है। ऐसे ही पट्टे का फिर इसके बाद सीटू के बाद ये जो पट्टा है फिर ये क्या करेगा घूमने लगता है, तो ये पट्टा जो है फिर सीवन के पास आ जाता है, फिर यहाँ से वही प्रोसेस होता है, ये जो सीवन के जो नुकीले सिरे है इसको धनावेशों को प्रतिकर्षित करता है और फिर सीटू के पास जाते हैं, सीटू के पास फिर प्रतिकर्षित, तो ये जो है ये पूरे खोखले गोले मीन्स आवेशों को इसमें वितरित कर देता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि 3×10⁶ मिलियन जो है वोल्ट जब तक उत्पन्न ना हो जाए, मीन्स 300,000 वोल्टेज जब तक उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है, और इसी को ही वान डे ग्राफ जनित्र कहते हैं, ठीक। मीन्स हम लोग जब तक 300,000 का वोल्टेज यहाँ से उत्पन्न नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है, ठीक है, समझ आए। एक बार और बता रहा हूँ, जब जो है इसको सीवन को इसके हाई टेंशन वोल्टेज तनाव से जोड़ा जाता है, ठीक है, तो ये धनावेश से जुड़े होते हैं, तो ये जो है इसका नुकीला सिरा का क्या है पृष्ठ आवेश घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वायु के संपर्क में जब आती है धनावेशों को क्या करती है प्रतिकर्षित करती है, तो सीवन जो है धनावेशों को प्रतिकर्षित करेगी और पट्टे के साथ क्या करेगी ऊपर की ओर भेजने लगेगी, तो सीटू क्या करेगा सीटू जो है इसको कलेक्ट करेगा जितने धनावेशों को और इस गोले में क्या करेगा समान रूप से वितरित कर देगा, ठीक है। और जैसे ही ये फिर P1 के पास पहुंचेगी तो P1 जो है फिर से इधर घूम रही है, फिर P2 के पास आएगी, P2 से ठीक फिर से यहाँ से ऐसे ही प्रोसेस चलती रहेगी, C1 के पास फिर नुकीले सिरे प्रतिकर्षित होकर C2 की ओर जाएंगे, C2 जो है इसको क्या करेगा एकत्रित करके फिर इसमें क्या करेगा धनावेशों को इसमें वितरित कर देगा, और यह प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि 300,000 वोल्टेज इसमें से उत्पन्न ना हो जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है 300,000 ये तो वोल्टेज है, ठीक है, लेकिन इसमें विभवांतर जो है ठीक है तब तक बनाए रखते हैं जब कितना 6 से 8 मिलियन वोल्टेज तक क्या है उससे बनाए रखा जा सकता है, मीन्स इसका मैक्सिमम कैपेसिटी रहता है कि ये 300,000 वोल्टेज क्या है उत्पन्न करता है, लेकिन इसमें 6 से 8 लाख वोल्टेज तक हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या है, उपयोग यह है कि इससे हम लोग उच्च विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं और ठीक है, और धनावेश जैसे कण है प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है ठीक है अल्फा कण है इसको क्या कर सकते हैं त्वरित कर सकते हैं, त्वरित मीन्स उसमें सारे में पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो पॉजिटिव से इससे नुकीले सिरे के संपर्क में दबाएंगे प्रतिकर्षित होकर क्या हो जाएंगे ऊपर की ओर चले जाएंगे, मीन्स ये जो है त्वरित हो जाएंगे, ठीक है, और ऊर्जाओं का क्या है वृद्धि करेंगे, ठीक है। और इसका उपयोग यह भी है कि नाभिकीय भौतिक आविष्कार के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका दोष यह है
कि ये इसका आकार जो है बहुत बड़ा होता है, मीन्स इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है, यही इसका बहुत बड़ा दोष है, ठीक है। और इसमें एक खतरनाक वाली बात यह है, दोष यह एक तो और यह है कि इससे बहुत ज़्यादा जब उच्च विभवांतर उत्पन्न होता है तो ये क्या है, उपयोग करने में भी खतरनाक है, ठीक है, मीन्स हम लोग घरेलू उपयोग नहीं कर सकते इसको, ठीक। अब देखते हैं कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। इसमें हम लोग सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, तो सीरीज और पैरेलल मींस श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल देखते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं या तो कंपटीशन एग्जाम में तो हमेशा पूछते ही है, ठीक है, तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लेते हैं बस। शायद आप लोग IIT JEE कोई JEE मेंस ये सब फाइट करे तो उनके लिए काम आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें सीरीज में दिया है, ये तीनों क्या है, सीरीज में जुड़े हैं, इसमें कितना है, 3 माइक्रोफेराड है, इसमें 4 माइक्रोफेराड है और इसमें 6 माइक्रोफेराड। सबसे पहले कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फैराड होता है, ठीक, फैराड। अब देखते हैं इसमें ये क्या है, 3 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, मीन्स सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, 1/C क्या होता है, 1/C1+1/C2+1/C3, ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, 1/C क्या होगा, 1/3+1/4+1/6 क्या होगा, तीनों का जो LCM आएगा वो आएगा 12, ठीक है, तो 3, 4+3+2 मीन्स कितना आया, 4+3 7 9/12, 3 3 3 4 3/4 आया, 1/C कितना आया, 3/4। और हम लोग को चाहिए क्या, सी चाहिए, सी मीन्स के इसका कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि 1/C तो चाहिए नहीं, तो हम लोग को क्या चाहिए, सी चाहिए, इसका संयोजन का सही हल का सी हम लोग को चाहिए, तो सी मीन्स क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, मीन्स 4/3 फैराड, कितना ईजी है देखो, ठीक है, ये हो गया सीरीज खत्म। बस जो दिया रहेगा सीरीज में 1/C1+1/C2+1/C3 ये हम लोग को सॉल्व करना है, मीन्स इसमें क्वेश्चन में बोला है संयोजन को बस हल करना है, तो कितना आया, 4/3 फैराड, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइक्रो फैराड दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइक्रो फैराड होगा, ठीक। अब देखते हैं पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में कितना दिया है, 10 फैराड, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, C=C1+C2+C3 मीन्स C=, क्या हो जाएगा, C1 5+5+10 कितना हो गया, 20 फैराड, बस हो गया, इतना सॉल्यूशन दिखता है, बस अजीब टाइप से लेकिन बहुत इजी रहता है, ठीक है। अब देखते हैं तो कैसा टॉप वाला, ये देखो इसमें सीरीज और पैरेलल दोनों है, ठीक है, मींस ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है और इसके साथ क्या क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है, तो हम लोग इसको हल करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में हल करेंगे, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/C=1/3+1/4 क्या हो जाएगा, 12, इसका एलसीएम आया 4+3=7/12, ये किसका मान है, 1/C का मान है, तो C=, क्या हो जाएगा, 12/7। अब देखो ये जो है डायग्राम कैसे बन जाएगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12/7 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 माइक्रोफेराड, ठीक है, 12/7 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका कॉम्बिनेशन निकालना है, तो C=, क्या होता है, पैरेलल में C1+C2=, क्या हो जाएगा, 12/7+4, 4 है मीन्स इसके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 12+7 = 28/7 मीन्स 40/7, ये सी का जो है वैल्यू 40/7 क्या आया, माइक्रोफेराड, ये है इसका आंसर, ये भी देखो कितना इजी है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, देखो इसमें 10 माइक्रोफेराड, ये तीनों क्या है, सीरीज में है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है, और फिर बाद में क्या है, ये सारे क्या है, पैरेलल में है, तो इसका कैसे बनेगा, इन तीनों का सीरीज सॉल्व करना, इन तीनों का सीरीज सॉल्व करना, फिर फाइनली पैरेलल सॉल्व कर देना, तो चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है, 1/C मीन्स क्या हो जाएगा, 1/C मीन्स 1/10+1/3+1/2 क्या आएगा, इसका एलसीएम
30 आएगा, ठीक है? हाँ 30 आएगा, तो 10 3 प्लस 10 प्लस 15 इक्वल टू 13 15 25, 28, 28 बाई 30 मीन्स 2 14 जा 2 15 जा 14 बाई 15, ठीक है? तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 बाई 14 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, मान लो 1/C हो गया, तो 1/4 प्लस 1/7, इसका एलसीएम आएगा 28, ठीक है? तो 7 प्लस 4, ठीक है, तो 11 बाई 28। अब हम लोग को ये 1/C है, तो इसको हम लोग को चाहिए सी डैश, मीन्स 28 बाई 11 हो जाएगा, ठीक है? अब पूरा कॉम्बिनेशन, अब ऐसे कैसे हो जाएगा डायग्राम, हम लोग का ये हो जाएगा डायग्राम, ठीक है? तो अब हम लोग को निकालना क्या है इसका कॉम्बिनेशन। तो एक तो कितना हो गया, 15 बाई 14 माइक्रोफेरेड, और ये क्या हो गया, 28 बाई 11 माइक्रोफेरेड, ठीक है? अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन सी इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2, मीन्स दोनों को हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देंगे, 15 बाई 14 प्लस 28 बाई 11, ठीक है? अगर इसका एलसीएम निकालें तो 14 × 11 मीन्स 14 और 14 4 5 1 154, ठीक है, इसका एलसीएम 154, ठीक। आप इसको अगर 15 से करें, ठीक है, तो 15 × क्या हो जाएगा, 11 प्लस 28 × 14, सी का वैल्यू, ठीक है? इसको आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो ये हम लोग का जो आंसर होगा वो माइक्रो फेराड में होगा, ये डायरेक्ट सी का है, 1/C का अगर रहता हम लोग, क्योंकि हमेशा हम लोग को सी का वैल्यू चाहिए, तो सी का है, तो ये यही आंसर है, ठीक है?